भिवंडी के पॉश इलाके मिल्लत नगर में रिवेरा पाम और पैराडाइज पार्क के मेन गेट पर सुबह सुबह तकरीबन 8:30 बजे तेज हवाओं के चलते एक 50 साल पुराना गुलमोहर का पेड़ तेज हवाओं के चलते धराशायी हो गया, जिसमें पैराडाइज पार्क की बाउंड्री वॉल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। रिवेरा पाम और पैराडाइज पार्क के सोसाइटी के अंदर आने जाने वालों का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर भिवंडी महानगर पालिका के कर्मचारी और दमकल के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और इस बड़े से गुलमोहर के पेड़ को काटकर किसी तरह से सोसाइटी वालों को सोसाइटी में आने जाने का रास्ता बनाया। सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने भिवंडी महानगर पालिका में इस पुराने पेड़ को लेकर शिकायत भी दर्ज कराई थी और अंदेशा जताया था कि यह पेड़ कभी भी धराशाही हो सकता है, लेकिन भिवंडी महानगर पालिका सोसाइटी में रहने वाले लोगों का यह कहकर वापस कर दिया गया कि यह निजी कंपाउंड और निजी प्रॉपर्टी है, इसे हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब जब देखने को प्रॉपर्टी का पेड़ गिरने के बाद एक दूसरे की प्रॉपर्टी को डैमेज किया, तो क्या उसकी भरपाई को निजी प्रॉपर्टी वाला करेगा? ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।